नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सारा न्यूज में आपके साथ नेहा आई। बढ़ते हैं खबरों की शुरुआत। केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष पूर्ण होने पर रविवार को सागर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल मुख्य अतिथि थे। इस प्रेस वार्ता में खाद्य मंत्री गोविंद राजपूत के अलावा सागर तथा नरियावली विधायकों सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी भी उपस्थित थे। प्रेस वार्ता का आयोजन शहर के जिला भाजपा कार्यालय में किया गया। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में धारा 370, राम मंदिर, 3 तलाक और CAA जैसे महत्वपूर्ण फैसले आए। CAA को लेकर उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोगों को समझ आ गया होगा कि CAA क्यों जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 8 जून को खुलने जा रहे धर्म स्थलों को लेकर अभी हमें शासकीय नियमों का पालन करना चाहिए। अभी लोग जितने सतर्क रहेंगे कोरोना महामारी को हराना उतना आसान और सरल होगा। कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में सीमित संसाधनों के बाद भी इस महामारी की चुनौती का सामना किया गया है। रिपोर्टर अनिल वर्मा, सागर MP। ये कैसी खास थी, कई बार लगता था कि हम जीते जी इस परिणाम को अपने सामने देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। मैं मानता हूं कि मोदी सरकार का दूसरे वर्ष में जो धारा 370 हटाने का कदम था, ये हमारी विचारधारा के लिए, हमारी पार्टी के उन तमाम शहीदों से लेकर वर्तमान के कार्यकर्ता और आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा महत्वपूर्ण कार्य था जिसका इतिहास साक्षी रहेगा। लेकर हमारी यात्रा में संतुष्टि कारक इससे बड़ा कोई दूसरी मिसाल हमारे जीवन में नहीं हो सकती, ऐसा मैं मानता हूँ। दूसरी बात आती है श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का मार्ग जो प्रशस्त हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के प्रति हम अपना आभार व्यक्त कर चुके हैं अनेकों बार, सदन के भीतर भी, सदन के बाहर भी। लेकिन जो उससे बड़ी चीज मुझे लगती है कि जिस शांतिपूर्वक ढंग से उच्चतम न्यायालय के फैसले को इस देश की जनता ने स्वीकार किया, उसके लिए हमारा यशस्वी नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृहमंत्री जी का तो कुशल मार्गदर्शन था, ये हमारी सबसे बड़ी सफलता है। और मैं एक हद तक ये भी कहता हूँ कि देश की जनता चाहती थी, लेकिन शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इतने शांतिपूर्वक ढंग से राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ये दूसरी सबसे बड़ी सफलता मैं मानता हूँ। तीसरी उपलब्धि है जो आज कोरोना काल में आम आदमी को और लगने लगा होगा कि देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, उसका पंजीकृत होना, उसकी पूरी जानकारी समाज और सरकार को होनी ही चाहिए। इस पर लोगों ने विवाद पैदा किया, लेकिन सरकार अपने निर्णय पर कायम थी। लेकिन कोरोना के महामारी के संकट में मैं ये मानता हूँ CAA का मामला और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। जनता भी इस बात को मानती है और सरकार के फैसले का मैं मानता हूँ कि वो लोग जो उस समय शायद इनके मन में कोई खटास रही होगी, वो भी अब इस बात की जरूरत मानते होंगे कि CAA इस देश में जरूरी है। और इसलिए मुझे लगता है कि तीसरी सफलता है जिस पर हम गर्व करते हैं। 20-20 आर्थिक मुद्दों और आर्थिक नीतियों के बदलाव का भी बड़ा स्थान है। मैं उनके विस्तार में जाना नहीं चाहता, लेकिन जो ऐसे कानून थे जिनकी जरूरत थी उन्हें समाप्त करना, जिनकी जरूरत थी उनको तत्काल लेकर आना, ये सरकार की गतिशीलता की जो पैमाना है वो आजादी के बाद आज तक किसी सरकार में इस गति के साथ में कानून बनाने के काम में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये इतिहास बना है, संसद इस बात का की साक्षी है कि जिस गति के साथ में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में काम हुए वो ऐतिहासिक है। उनकी गति का कोई
जोड़ नहीं, उसकी तुलना किसी और कार्यकाल से नहीं हो सकती। पांचवी बात मुझे लगती है कि मुस्लिम समुदाय में जो माताएं पहने थी, तलाक का मामला हमेशा इस देश में चर्चा का बिंदु रहा है। एक समय सुप्रीम कोर्ट में ने जब फैसला दिया था तो उस समय की सरकारें